हाथ में अपन जैसे हो जाते हैं तो पा नहीं पाते अपन जैसे। अच्छा, भर नहीं पाते। दोस्तों नमस्कार, श्रावण आने वाला है और आज फिर हम एक बहुत सिद्ध और बहुत प्राचीन 17वीं सदी के मंदिर में हैं, दमोह जिले में, मध्य प्रदेश का दमोह जिला, बांदकपुर नामक स्थान और मंदिर जोगेश्वर नाथ धाम शिव मंदिर। सामने ही माता पार्वती का मंदिर है। जोगेश्वर नाथ धाम में हम भगवान महादेव के दर्शन करेंगे और भी कुछ मंदिर हैं जहां हम चलकर दर्शन करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाइएगा ताकि इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे मंदिर, अच्छे अच्छे सिद्ध स्थान मैं आपको दिखा सकूँ। दोस्तों कल सुबह होशंगाबाद के लिए वापस निकलना है। आज सुबह हम मदन महल किला घूमने गए और दोपहर बाद हम निकल पड़े हैं दमोह ज़िले में। दमोह से 16 किलोमीटर दूर बांदकपुर नामक स्थान है जहाँ एक बहुत प्राचीन एक सिद्ध शिव मंदिर है। वहाँ हम चल रहे हैं भगवान शिव के दर्शन करने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बांदकपुर स्थान इतने दमोह के पास में 16 किलोमीटर अंदर बांदकपुर शिव जी का मंदिर है। प्राचीन 11वीं सदी का स्थान है और देखने योग्य है। शंकर पार्वती का मंदिर है, अति प्रसिद्ध मंदिर है जी। और जो भी पहुंचता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिव जी का स्थान बहुत, और 125,000 कांवर जब चढ़ती हैं शिवरात्रि में तो उनकी गांठ बन जाती है, झंडा, दोनों झंडा एक साथ मिल जाते हैं अपने आप। अच्छा, वो देखने योग्य है। कुछ वर्षों में होता है ऐसा जब 125,000 कांवर चढ़ती हैं जी, देखने योग्य है ये। तो हमारी प्रार्थना है सब लोगों से कि आप जाकें और ऐसे स्थान, दिव्य स्थान के दर्शन करें और पुण्य लाभ कमाएं। बहुत बढ़िया। यही है खूबसूरत मंदिर जागेश्वरनाथ धाम शिव मंदिर बांदकपुर जिला दमोह। जागेश्वरनाथ धाम शिव मंदिर के सामने प्रसाद की दुकानें हैं जहां से आप प्रसाद ले सकते हैं। जागेश्वरनाथ धाम शिवलिंग हर साल चौड़ा यानी कि बढ़ता जा रहा है, चौड़ा होते जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। कहा जाता है कि जब यहाँ 125,000 कांवड़ का जल चढ़ जाता है, प्रतिवर्ष कांवड़िए जल चढ़ाते हैं श्रावण के महीने में शिवरात्रि पर, तो जब 125,000 कांवड़ का जल चढ़ जाता है तो पार्वती जी और शंकर जी के मंदिरों के झंडे एक दूसरे की तरफ झुककर आपस में मिल जाते हैं, उनमें अपने आप एक गांठ बंध जाती है। इस चमत्कार को देखने भी भक्तों का मेला लगता है और बड़े ही धूमधाम से भक्त भगवान शिव और पार्वती के विवाह का उत्सव मनाते हैं। पुजारी जी हमारे साथ हैं, राजकुमार जी। राजकुमार जी, कब का है मंदिर, कितना पुराना है? 1772 के आसपास का मंदिर है। तो ये किसने बनवाया था, क्या कहानी है यहाँ की? चांदोकर राव ने बनाया था। और क्या उनको सपना आया था? हाँ, यहाँ शिवलिंग है। अच्छा, यहाँ उन्हें विश्राम करने लगे बकोली के झाड़ के नीचे जहाँ पर बैठे हैं। हाँ, वहाँ घोड़ा बांध दिया। अच्छा, और घोड़ा हिनहराने लगा, उनके जमींदार थे यहाँ। अच्छा, फिर उनको सपना आया कि शिवलिंग है, जे मूर्ति उठा के खुदाई करने के बाद दबू ले जा रहे थे भैरम टाकिज के पीछे। अच्छा, श्री राम मंदिर बनाना। फिर सपना आया कि हम इसी स्थान पर रहेंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे, दमोह नहीं जाएंगे। जे कुंड के नाम से जानी जाती है इमरती, जहाँ से जल आता है, उसमें इमरती नाम की लड़की गिर गई थी, वो जीवित हो गई थी, उसका नाम इमरती पड़ गया। अच्छा, पहले बावड़ी के नाम से जानी जाती है। कोई बावड़ी है इधर? हाँ, कहाँ है जी? सामने
ये अंदर अंदर अच्छा वो 40-50 फीट है हाँ। उसमें वो गिर गई थी, उसके बाद भी जीवित वापस आ गई, जीवित हो गई यहाँ दीवार भगवान के यहाँ लिटा दिया। अच्छा मतलब पहले मृत हो गई थी हाँ। और फिर उसको लिटा दिया भगवान के पास तो वो वहाँ वापस जीवित हो गई, जीवित हो गई। अच्छा यहाँ हाथेई लगाए जाते हैं हाँ, हरदी के जो भी आपकी मनोकामना हो वो सिद्ध 100% मनोकामना सिद्ध पूरी होती है। बहुत बढ़िया। और मेला भी लगता है यहाँ सुना हाँ, है यहाँ के मुख्य दो मेला है शिवरात्रि हाँ, बसंत पंचमी। बसंत पंचमी शिवरात्रि हाँ, हाँ। इसमें 4 किलोमीटर तक जाम हो जाता है पूरा। अच्छा 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 चारों रोड। और मूर्ति बहुत बड़ी मूर्ति है हाँ, बहुत बड़ी है इसकी हाँ। 25 फुट खुदाई की, इनका अंत नहीं मिला, अंत नहीं मिला, अंत नहीं मिला। तो कितनी लंबाई कितनी है मूर्ति? तो ऐसी है, शिवलिंग कितना है? यही है सामान्य, हाथ में अपन जैसे हो जाते हैं हाँ, तो पा नहीं पाते अपन जैसे। अच्छा भर नहीं पाते। सामने नंदी बाबा विराजमान है, आइए अब हम दर्शन करते हैं जागेश्वर महादेव के। और सामने ही नंदी बाबा विराजमान है और माता पार्वती का मंदिर भी शंकर जी के सामने ही है। गंगा जी से नर्मदा जी से कांवड़ लेके आते थे लोग। अच्छा अच्छा। यहाँ गठबंधन हो गया आज के 150-200 साल पहले की बात है। अच्छा। जब वाहन नहीं थे यहाँ पैदल आते थे नर्मदा जी से गंगा जी से, जब 225,000 कांवड़ यहाँ इकट्ठी हुई तो गठबंधन हो गया। बहुत बढ़िया। तो सामने माता पार्वती विराजमान है जी, स्थापना है पार्वती, स्थापना है पार्वती जी की और शंकर जी सामने हैं। सामने बहुत अच्छा। सपने द्वारा फिर हट गए। अच्छा और ये जागेश्वर नाथ क्यों कहते हैं इन्हें? जी सपने द्वारा फिर हट गए हैं यहाँ। अच्छा इसी इनका नाम जागेश्वर। अच्छा सपने में देखे बाद में जागने के बाद उनको जागेश्वर। इसलिए जागेश्वर है जागेश्वर, उन्होंने जगा दिया इसलिए जागेश्वर जागेश्वर। अच्छा